जी को क्यों याद आए बाल ठाकरे? क्यों छिड़े गुजरात दंगा बाल ठाकरे और मोदी की बात? गुजरात दंगे के वक्त जब मोदी को कोस रहे थे विरोधी, बाल ठाकरे ने मोदी विरोधियों को दिया था करारा जवाब। बोगी को फूंक दिया गया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़क गया था और न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी। जिस वक्त गुजरात दंगों का दंश झेल रहा था, राज्य में बीजेपी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। यही वजह है कि विरोधियों ने गुजरात दंगों का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि बीजेपी के कई नेता भी मोदी के विरोध में उतर गए थे और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात भी की जाने लगी थी। लेकिन उस वक्त पीएम मोदी का किसी शख्स ने साथ दिया था, तो वो थे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे, जिन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि मोदी गया तो गुजरात गया। बात बाबरी मस्जिद गिराए जाने की हो या फिर गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जब तक थे, ताल ठोक कर अपनी बात कहते थे। जहां भी हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात आती थी, वो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते थे। और उनकी इस बेबाकी का अंदाज उस वक्त देखने को मिला था जब साल 2002 में गुजरात दंगा भड़क गया था। ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके राज में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी ट्रेन की बोगी को गोधरा रेलवे स्टेशन पर फूंक दिया गया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़क गया था। और इस दंगे की वजह से तमाम सियासी विरोधी किसी चील कौए की तरह मोदी को नोचने लगे थे, जैसे मानो गुजरात दंगा उन्होंने ही करवाया हो। हालात तो यहां तक हो गए थे कि बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी खुद शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के दरबार में हाजिरी लगाने चले गए थे, ये सलाह लेने के लिए कि जिस तरह से मोदी पर गुजरात दंगों के आरोप लग रहे हैं, क्या ऐसे समय में उन्हें गुजरात की सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। उस वक्त बाल ठाकरे ने जो सलाह दी थी, उसे आज भी याद किया जाता है। मोदी गया तो गुजरात गया। साल 2002 में पूरा देश गोधरा दंगों की आग में झुलस रहा था और चारों तरफ से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और गुजरात की मोदी सरकार पर दबाव पड़ रहा था। हर कोई नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का दबाव बना रहा था। इसी दौरान जब बीजेपी नेता और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक रैली में शामिल होने के लिए आए थे, तो उसी वक्त उन्होंने सरकार में सहयोगी रहे बाल ठाकरे से मोदी को सीएम पद से हटाने के मुद्दे पर बात की थी, जिसके बारे में जिक्र करते हुए बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने इसी साल मई में बताया था कि जब हम रैली समाप्त होने के बाद बातचीत कर रहे थे, तब आडवाणी ने कहा था कि वो बाला साहेब के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जिसके बाद मैं और प्रमोद महाजन जी वहां से चले गए थे। हमारे जाने के बाद आडवाणी जी ने मोदी के बारे में बाला साहेब से बातचीत की थी और उनसे ये पूछा था कि मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बारे में आपकी क्या राय है, जिस पर बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मोदी को छुआ भी नहीं जाना चाहिए, अगर उन्हें हटाया गया तो बीजेपी गुजरात से चली जाएगी, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और इसका सीधा असर हिंदुत्व पर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे और आडवाणी के बीच हुई जो बातचीत बताई, वो तो पर्दे के पीछे हुई बात थी, मगर सोशल मीडिया पर आज भी बाल ठाकरे का वो बयान देखने को मिल ही जाता है, जब उन्होंने मंच से नरेंद्र मोदी के लिए कहा था, नरेंद्र मोदी गया गुजरात गया। मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया गुजरात गया, ये माझं वाक्य आहे। जर नरेंद्र मोदीला तुम्ही बाजूला केलं तर गुजरात तुमचा गेला, हे माझं वाक्य मी अडवाणींपाशी बोललेलो आहे। बाल ठाकरे ने ये बात उस वक्त कही थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज बाल ठाकरे की यही बात गुजरात की जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही रिवाबा के पति और पूर्व क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पूरे गुजरात से वोट मांगने के लिए कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, समझ जाओ गुजरातियों, नरेंद्र मोदी गया तो गुजरात गया। और बाल ठाकरे की ये बात रविंद्र जडेजा इसलिए गुजरातियों को याद दिला रहे हैं
क्योंकि आज यानी कि 1 दिसंबर को पहले चरण के दौरान 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें एक सीट जामनगर उत्तर विधानसभा भी है, जहां से जडेजा की पत्नी रिवाबा चुनाव लड़ रही हैं। वैसे बाल ठाकरे ने कभी मोदी के बारे में जो कहा था कि मोदी गया तो गुजरात गया, उनकी इस बात पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस गोधरा में राम भक्तों को जलाए जाने के बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़का था, उस गोधरा में सीएम योगी ने एक रैली के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अन्य देश के किसी न किसी कोने में घटना घटित होती थी। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में, गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है, व्यापार फल फूल रहा है, बेटी और बहनें सुरक्षित हैं। गुजरात ने विकास का और सुरक्षा का जो मॉडल दिया, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, अलगाववाद से मुक्त हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी गई है। अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं आने वाली है। भाइयों बहनों, नए भारत का शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज उसी का परिणाम है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। और संकट के समय अपने देश के नागरिकों के साथ कैसे खड़ा होना है, यह भी हम सबके सामने है। कोरोना कालखंड उसका उदाहरण है। कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, सारे सर्वे कह रहे हैं गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। सारे सर्वे कहते हैं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का दिखाई दे। जीत सामान्य नहीं, असामान्य होनी चाहिए। जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी समृद्धि के लिए बैरियर बने हुए हैं, इन सबको हटाइए। आप केवल कमल ही कमल खिलना चाहिए। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कश्मीर से धारा 370 का लोग हटा पाते? भाइयों बहनों, ये तो देश के विकास के बैरियर हैं, इनसे कोई उम्मीद मत करिए। और इसीलिए मैं आज विशेष रूप से गोधरा में आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए
गोधरा परिवर्तनकारी धरती है और गोधरा ने जब एक बार संकल्प ले लिया तो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगले वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इतना भव्य मंदिर का निर्माण भाइयों बहनों, वह भारत का राष्ट्र गौरव का प्रतीक बनेगा।